सर आपने एक फिल्म की थी मनोजी की अनीता, अनीता में एक कैरेक्टर थे धूमल और एक कैरेक्टर थे आयुष जौहर जिनको आज हमारी यंग जनरेशन भूल चुकी है। तो आप यस आयुष सॉरी आयुष जौहर, तो आयुष जौहर के बारे में और धूमल के बारे में कुछ बताइए। धूमल दादा जो थे उनकी शक्ल देख के लोग हंसते थे, उनको उनका मेजा पेड़ बनाया गया, वो राजन थे मैं मेहर वाले, हम दोनों जसूस हो गए और ही वॉज वेरी नाइस मैन, यानी कि इतना आदमी मैंने जिंदगी में नहीं थे। उसके घर में घर भी गया हूँ, उसके अंदर बैठता था और जबकि ही वॉज ग्रेट कॉमेडियन उस वक्त और मैं तो छोटा मोटा था, लेकिन मुझे उसने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि अब तो छोटा एक्टर में पड़ा है, बहुत प्यार करते थे। और आयुष जौहर, आयुष जौहर जरा स्टाइलिश आदमी थे, वो तो डायरेक्टर भी थे राइटर भी थे, उनके साथ मैंने पहली दफा जो काम किया था वो फिल्म थी अकलमंद जिसमें किशोर कुमार हीरो था और साथ में सोनिया गांधी थी, रूप किशोरी हुए थे। उसमें क्या होता था मैं सच कहूँ, आई जो राइटर थे वो अच्छे डायलॉग उसमें अपने लिए रखते थे और किशोर कुमार को रिजेक्टिव डायलॉग देते थे, और जब सीन शूट होता था तो किशोर कुमार ही नजर आता था, ये जो भी दिखता था वो महापुरु घंटा एक्टर जिसका नाम है किशोर कुमार। किशोर कुमार के बारे में सब कहते हैं कि बिना पैसे का काम नहीं करते थे। हाँ ये बात, वो जब भी किसी रिकॉर्डिंग में जाते थे पहले पूछते थे अब्दुल चाय पी, वो कहता अभी नहीं, तब तक उनका गला ही खराब रहता था। अब्दुल चाय पी, हाँ पी, क्या करना है एक स्टाइल था किशोर दा का। लेकिन एक बात थी, वो तंग उन्हीं को करते थे जो पैसे नहीं देते थे। अच्छा, और जो पैसे देते थे उनके पास कभी कोई गड़बड़ नहीं था। मैं आपको एक किशोर कुमार का जबरदस्त किस्सा सुनाता हूँ, बताइए। ये फिल्म आई थी ना क्या नाम मेरा अपना बॉम्बे टू गोवा, हाँ, उसके गाने की रिकॉर्डिंग थी अपना जो स्टूडियो ने अपना इधर अपना तारदे में फिल्म सेंटर, फिल्म सेंटर में। तो डायरेक्टर से पहले म्यूजिक डायरेक्टर अपने पंच, तो मेरे को बड़ा शौक था किशोर कुमार के गाने सुनने का, तो मैंने कहा भाई यार मैं भी आ जाऊँ रिकॉर्डिंग, आ जा मैं भी आया, अमिताभ जी भी आया, हम दोनों बैठ के देख रहे वहाँ वहाँ एवरीबॉडी इज रेडी विद द इंस्ट्रूमेंट्स, सबकी रेहसल हो चुकी, किशोर का आया तो पंचम का उसको लेकर पहले सिंगर रूम होता था ना उसमें लेके गए, कहता था आपको मैंने ट्रैक तो भेज दिया आपके साथ एक छोटी सी रेहसल करते हैं, रियल किस्सा बता रहा हूँ। अब वो किशोर का गाना गा रहे हैं, देखा ना है रे सो जाना है रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। अरे ओ इतना कहा तो महमूद ने किशोर दा के मुंह पर हाथ रख दिया, क्या कहा दादा वो जो कुकुम है ना वो मैं करूंगा, क्या बोला रे तो कुकुम करेगा पंचम जो एक फैसल करते। अब फिर किशोर दा देखा ना हाय रे सो जाना हाय रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। अरे ओ कुकरू कुकू, अरे पंचम यार ये महमूद क्या कुकरू हुआ था। अरे बांगड़ू एक काम कर, गाना भी तू गया, तुझे गाने की भी तो खुजली है ना, गाले गाले महमूदवा गाना गाले। ये कहकर उठ के वहां से बाहर निकल गए किशोर का। अब महमूद की हालत खराब कि सारा फिल्म म्यूजिशियन आए हुए सारा था स्टूडियो में, कहते अब उसने बच्चों से कहा यार बंगाली की खोपड़ी घूम गई है, अब तुझे इसको जाके तुझे पटा के लेके आ। अब बच्चे उधर पीछे पीछे गए, किशोर का चाहिए ना गाना गा दूँ, कहते बच्चे में एक बात सुन, एक तो आधी चाय बुलाकर मुझे गाना गवाता है
जो पैसे नहीं देते मैं उसको आधा आधे मिट्टी पड़ते हैं अच्छा आधी चाहते हैं और उसके बाद मुझे डिस्टर्ब करते हैं अगर इसको गाने की खुली है तो मुझे क्यों बुलाता है इसी को बोलो ना गाना गा ले तो बच्चों ने कहा नहीं ऐसा नहीं आप गाना गाइए हम है वो उसको कहता ठीक है हम गाना गाएंगे अवश्य गाएंगे लेकिन एक बात कहते क्या महमूद भी वहां बीरबल के साथ बाहर बैठेगा तब ये गाने की निकालनी हुई बड़ा मजा आया तो महमूद से बाहर बैठे हाँ मैं अब बोल रही बड़ा बैठे हूँ अंदर सिंगर रूने की तो मैंने बहुत सारी फिल्मों में साथ में काम किया पड़ोसन में तो नाम के सामने थे हाँ तो मतलब महमूद साहब आधा पैसा देते थे बच्चन साहब का ये था अरुणा रानी हिरन थे उस वक्त अरुण रानी और महमूद साहब का अरमान चल रहा था है? और हम उसको भाभी भाभी बुलाते थे अरुण रानी को अब जब रोमांटिक सीन कर रहा था ना अमिताभ तो उसको हाथ नहीं लगा रहा था कहते भाईजान मैं कैसे अरे इस वक्त तू हीरो है ये मत सोच ये कौन है एक्टिंग कर पकड़ इसको वो सीन मुझे आज भी याद है यार ये बड़ा शर्मिला अमिताभ और उसके साथ हम लोग खेल खिलवाड़ करते रहते थे मैं था और साथ में जलाल आ गया था वो भी इसके साथ लगा रहता बच्चन साहब के साथ तो एक था बॉम्बे उसके बाद जब मैं बच्चन साहब के साथ काम किया होगा हाँ बहुत बॉम्बे फिल्म के तो बॉम्बे टू गोवा के टाइम जो आपने काम किया आप उनकी फिल्मी वगैरह सब लेते होंगे उसके बाद सडनली बच्चन साहब स्टार बने सुपर स्टार उसके बाद मेरा एटीट्यूड आप करो उनका क्या रहता था आपस में फिर ठीक है फिर हम भी इतना थोड़े अंदर से ही बच्चे थे उन्होंने ठीक से कर दिया सब सर कह गया ये सिंह तो मैं कभी नहीं भूलूंगा जो निकाल लेंगे